Now we will start our next unit, that is genetics. ठीक है, जेनेटिक्स हम जो है स्टार्ट करेंगे. उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. ठीक है, द चैप्टर इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. किसको नहीं दिखाई दे रहा बेटा, गरिमा को? एक मिनट रुक जाओ. अच्छा, अब देखो बेटा, मेरी तो बिल्कुल क्लियर है, कैमरा भी क्लियर है, सब कुछ क्लियर है. आई डोंट नो आपको ब्लर क्यों दिख रहा है. जस्ट वेट, ऑन लाइट ऑन करके दिखाता हूँ. अभी लाइट से अभी ठीक है, दिख रहा है कुछ? इज इट विजिबल बेटा? चलो ठीक है, वो लाइट नहीं ऑन थी, मिट माई भी उस वजह से हो रहा हो. ठीक है, तो अब जो है हम चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस. ठीक है, तो इस चैप्टर में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज होगी. 10th क्लास में आपने जो है ये चैप्टर पढ़ा था, जेनेटिक्स का चैप्टर जो है ना, 10th क्लास में आपने ये चैप्टर पढ़ा है, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस जो है, हेरिटेंस या वेरिएशंस जो है वो पढ़ा है. ठीक है, तो हेरिटेंस जो है और वेरिएशंस चैप्टर में जो टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, पहले जो है हम वो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो है इसको वन बाय वन जो है वो स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले जो चीज है, दैट इज दी वी आर सेइंग कि वी आर स्टडिंग दी यूनिट, दैट इज दी जेनेटिक्स. तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इट इज दी ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद दी हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. ठीक है, तो ऐसी साइंस विच डील विद दी इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस ऑफ कैरेक्टर, दैट इज नोन एज दी जेनेटिक्स. ठीक है, दिस इज दी ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद दी इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है, वेरिएशंस ऑफ कैरेक्टर. ठीक है, इसके बाद जो है, अब इसमें हमने बोला एक वर्ड जो है हेरिडिटी, ये भी आपने बार 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 सुना होगा. तो हेरिडिटी क्या है? दी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नोन एज दी हेरिडिटी. ठीक है, दिस इज दी प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी, दी प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर या फिर वन जनरेशन टू नेक्स्ट इज नोन एज दी हेरिडिटी. वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो है एक जो कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसमिट होते हैं. कि जैसे जैसे क्या कि हमारे हमारे जो जैसे हम देखें, अपने केस में देखें, ह्यूमन बींग के केस में अगर हम देखते हैं, सपोज जो किसी की हाइट किसी के फादर पे जाती है, किसी की हेयर उसकी मदर पे जाते हैं, किसी की आई का कलर उसके फादर पे हो सकता है. ठीक है, इसी तरीके से स्किन का कलर मदर पे हो सकता है. मतलब दोनों जो पेरेंट्स हैं या फिर ब्लेंड जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स पे भी कुछ कैरेक्टर जो है ट्रांसमिशन होते हैं. तो वो ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैरेक्टर जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं, दैट इज नोन एज दी हेरिडिटी, दैट इज नोन एज हेरिडिटी. ठीक है, और जो है इनहेरिटेंस क्या हो गया? इनहेरिटेंस हो गया ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. जो प्रोसेस है वो हेरिडिटी कहलाएगा, और ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर जो है दैट इज इनहेरिटेंस. दी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर.
एनदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफर होते हैं, उस प्रोसेस उसको हम बोल रहे हैं इनहेरिटेंस। और जिस प्रोसेस से ट्रांसफर हो रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज नोन एज दी हेरिडिटी। ठीक है, देन जो है वो इसमें देन नेक्स्ट जो है दैट इज वेरिएशन का, जो वर्ड हमने सुना दैट इज वेरिएशन। अब वेरिएशन क्या है, दीज आर दी चेंज। ठीक है, अब आप देखें कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस दी ऑफस्प्रिंग दे आर नॉट एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ आइदर देमसेल्फ और देयर पेरेंट्स। ठीक है, कि वेरिएशंस जो है हम क्या बोल रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है, ना ही वो एक दूसरे के एग्जैक्ट रेप्लिका होते हैं, ना ही वो पेरेंट्स से बिल्कुल जो है वे मैच करते हैं, तो दैट इज नोन एज दी वेरिएशन। वेरिएशन यू कैन से दीज आर दी सडन चेंजेस जो है उनको हम वेरिएशन वर्ड जो है वो बोल सकते हैं, या द डिफरेंस फाउंड इन वेरियस ट्रेड ऑफ इंडिविजुअल, द डिफरेंस फाउंड इन वेरियस ट्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ प्रोजनी फ्रॉम वन अनदर एंड देयर पेरेंट्स, एंड देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड, या डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस कर रहे हैं तो आर कॉल्ड वेरिएशंस, दीज आर कॉल्ड वेरिएशंस। ये क्या कह रहे हैं कि जो बहुत ट्रेड्स जो है, द डिफरेंस फाउंड इन द वेरियस ट्रेड ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ प्रोजनी फ्रॉम वन अनदर एंड देयर पेरेंट्स, ठीक है, इज नोन एज दी वेरिएशन। की जैसे जो बहुत से ट्रेड्स क्या, बहुत से कैरेक्टर्स जो जिनको हम कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए हाइट हो सकता है, स्किन कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, ठीक है, जो है वो हेयर का कलर, आई का कलर, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो कैरेक्टर्स हैं, तो उसमें जो वेरिएशंस आती हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, मतलब ऑफस्प्रिंग में आपस में भी और पेरेंट्स से भी, मतलब आप अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो ना तो दो भाई बहन बिल्कुल एक जैसे एक्सटर्नल अपीयरेंस के होंगे, ना इधर दे आर एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ देयर पेरेंट्स की, ना ही जो है वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे होंगे। ठीक है, सो दिस इज नोन एज दी वेरिएशंस। बेटा ये फिर से ब्लर हो गया कि दिख रहा है आपको अभी भी? ब्लर चल रहा है ना? ओके ठीक है बेटा, ओके। सो अब तो दिख रहा है ना, लाइट ऑन करने पे तो फर्क पड़ रहा है ना बेटा? ओके, लाइट ऑन करने पे तो फर्क पड़ रहा है ना? एक 1 सेकेंड बेटा, ओके, लाइट ऑन करने पे तो फर्क पड़ रहा है ना बेटा कि नहीं? ठीक है, तो आई एम स्विचिंग। हाँ, क्या हो रहा है, लाइट ऑन करने पे भी ब्लर हो रहा है? पिछला ओके बेटा, ठीक है, चलो फिर मैं इसको जो है लाइट स्विच ऑफ, ज्यादा बेटर है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब। ओके ठीक है, सो दीज आर वेरिएशंस। ठीक है, उसके बाद जो है जो नेक्स्ट वेरिएशंस में ही आ जाता है कि वेरिएशंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएशंस दे आर। वेरिएशंस आर ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स, दैट इज द कंटीन्यूअस वेरिएशंस एंड डिसकंटीन्यूअस वेरिएशंस। ठीक है, वेरिएशंस जो है वो डिफरेंट टाइप्स की हो जाती है, दैट इज द कंटीन्यूअस वेरिएशंस एंड डिसकंटीन्यूअस वेरिएशंस। ठीक है, सो कंटिन्यूअस वेरिएशंस एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस, ओके, होल्ड ऑन 1 सेकेंड, 1 मिनट बेटा। Thank you.
Okay, why are you communicating? Just wait on. Okay, so we are saying that continuous variations to him, that these are those variations which fluctuate around the average trait of a species. So I am writing here, these are those variations, these are those variations which fluctuate around the average trait, TREIT trait of the species. Okay, so these variations are called positive if they increase the value of a trait, and they are known as the negative if it decreases the value of the trait. ठीक है, तो इसको these variation, continuous variations हम कह रहे हैं, these are those variations which fluctuate around the average trait of a species. और अगर ये variations जो है trait में improvement लाती है, किसी भी character में improvement ला रही है, तो these variations are called positive. These the variations are positive. The variation are positive if they increase the value of the trait and negative if they decrease the value of the trait. Decrease the value of the trait. Variations होती थी किस तरीके से है, variation क्या है, जो आप crossing over पढ़ते हो, ठीक है, crossing overs में जब chromosomes जो है distance होते हैं, ठीक है, तो उस during जो है कुछ changes आते हैं, that leads to variation. उस चीज को क्या है हम बोलते हैं, variations जो है वो बोलते हैं. तो this takes place, they are formed due to the chances of separation of chromosome during meiosis. ठीक है, these are formed due to chances of separation of chromosomes during meiosis. Okay, ठीक है, so आपको मालूम है कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो कौन सी स्टेज में होती है. क्रॉसिंग ओवर जो है हमने मियोसिस वन में जो है वो स्टडी की है, दैट इज ड्यूरिंग द पैकेटिंग स्टेज में जो है क्रॉसिंग ओवर होती है. तो उस टाइम जो आपको मालूम है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है इस तरीके से, अभी आप हम फिर से पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम्स जो है वो इस तरीके से जो है वो क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, और जब वो सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, तो सेपरेट होने के टाइम अगर मान लीजिए कुछ भी जो है वो क्या होता है, चांसेस जो है चेंजेस जो होते हैं, तो उनको वेरिएशंस जो है वो कहते हैं. और दूसरी, द चांसेस ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर्म ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ अ फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है वो क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, ठीक है, तो वो किस तरीके से जो है फ्यूज करेंगे, उसकी वजह से जो है वेरिएशंस जो है वो फॉर्म होती है. दूसरी, ये तो होगी कंटिन्यूस वेरिएशंस, जो कंटिन्यूसली जो है वो हो रही है, दिस दे कॉज दी these variations are fluctuate around the average state. की मान लीजिए कोई भी character है, ठीक है, तो अगर अगर इन changes की वजह से वो improvement होती है उस character में, तो these are known as the positive variations. And और अगर जो है उसमें कुछ जो है वो positive variations नहीं होती है, मतलब जो है benefit नहीं होता है, जो average ट्रेड से नीचे की तरफ गिरता है, तो उसको बोल देते हैं नेगेटिव वेरिएशन. अब पॉजिटिव के बाद जो है दीज आर नेक्स्ट आर दी डिसकंटिन्यूअस, मतलब जो है कंटीन्यूअस वेरिएशंस के बाद नेक्स्ट वेरिएशंस दीज आर दी डिसकंटीन्यूअस वेरिएशंस, ठीक है, डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन व्हिच अपीयर सडनली इन इंडिविजुअल, ठीक है, डिसकंटीन्यूअस वेरिएशंस. These, वो तो क्या बोली थी, कंटिन्यूस वेरिएशंस को बोले थे, दैट वेरिएशंस आर कंटिन्यूस, और इसको डिसकंटिन्यूस को क्या बोल रहे हैं, दीज वेरिएशंस व्हिच अपीयर्स सडनली इन इंडिविजुअल्स, ठीक है, द वेरिएशंस व्हिच अपीयर
सडनली इन इंडिविजुअल्स, और इसका नाम जो है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस, दे आर आल्सो नोन एज म्यूटेशन, म्यूटेशन, म्यूटेशंस और सॉल्टेशन, ठीक है। सो दिस इज आल्सो नोन एज दी म्यूटेशन एंड सॉल्टेशन, एंड दीज आर इनहेरिटेबल। इनहेरिटेबल का क्या मतलब होता है कि नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो जाएंगी। सो दीज आर इनहेरिटेबल, ठीक है, एंड दीज वेरिएशन आर मोस्ट ऑफ दी डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस, दे आर रिसेसिव, ठीक है। द मोस्ट ऑफ द डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस आर रिसेसिव एंड अ फ्यू दे आर यूजफुल, ठीक है। अब ये किस तरीके से होती है, तो इसमें कुछ टर्म है कि जो क्रोमोसोम्स जो है, मान लीजिए उसमें क्रोमोसोमल में कुछ चेंज होता है उसके नंबर में, उसके साइज में, ठीक है, तो उनको बोल देते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन, ठीक है। तो क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या बोल रहे हैं, दीज वेरिएशंस दे अकर ड्यू टू क्रोमोसोमल एब्रेशन, या क्रोमोसोमल एब्रेशन का मतलब क्या है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, ठीक है, दैट इज वन ड्यू टू डिलीशन, मतलब क्रोमोसोम सेट की डिलीशन हो गई, या फिर कोई क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो रहा है, डुप्लीकेशन, ठीक है। तीसरा इन्वर्जन एंड चौथा क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। सो दीज वेरिएशंस दे आर, और वेरिएशंस है किसमें, वेरिएशंस दे आर प्रेजेंट इन इन दे आर द रिजल्ट ऑफ दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, की वेरिएशंस जो है सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में ही वो जो है वो होती हैं, ठीक है। नॉन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस दे आर नो वेरिएशंस, ठीक है, तो ये वेरी लेस नंबर वेरिएशन होगा। तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए अगर कोई क्रोमोसोम नंबर है, जैसे अभी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे ट्राइजोमी ट्रिप्लोजोमी की, क्रोमोसोम नंबर बताए, हमें पता है हमारे पास कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम्स है, मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, जिसमें एक पेयर क्रोमोसोम को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जिसमें एक्स और वाई आ जाते हैं, ठीक है, एक्स एक्स और एक्स वाई आ जाते हैं, और बाकी के जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बच के उनको हम बोल देते हैं ऑटोसोम, ठीक है। तो ऑटोसोम्स जो है, ठीक है, मतलब डिफरेंट, जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 11 है, क्रोमोसोम नंबर 21 है, ठीक है। तो कई बार जो क्या होता है कि आप 11 जो क्रोमोसोम नंबर है उसके भी हमारे पास दो जोड़े होंगे, मतलब दो होंगे वो, ठीक है, जोड़े में होगा, एक हमारे पास मदर से आया, एक हमारे पास फादर से आया। इसी तरीके सारे क्रोमोसोम्स जो है हमारे पास पेयर से प्रेजेंट होंगे, एक फादर से एक मदर से है, ठीक है। अगर कई बार क्या होता है कि ये जो गैमेट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं ना, आपने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा है जब हमने, तो गैमेट फॉर्मेशन जब होती है, मान लीजिए अगर, तो उसमें क्या है, टू क्रोमोसोम है, तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब क्या होता है माइटोसिस होगा तो क्या हो जाता है, एक क्रोमोसोम सेट हट जाता है, हमारे पास एक रह जाता है, दैट इज उसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर 23 हो जाता है। अगर वहां पर कोई गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, उसमें से कोई क्रोमोसोम ऐसा है जो क्रोमोसोम सेपरेशन होती होती है गैमेट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग, अगर वो नहीं हो पाता और एज अ पेयर ही चला जाता है, तो ट्रिपलॉइडी हो जाएगी, क्या कि हमारे पास टू अनसेट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रह जाएंगे, थ्री अनसेट ऑफ हो जाएंगे, तो या तो एडिशनल क्रोमोसोम हो गया, या फिर डिलीशन हो गई, कोई क्रोमोसोम जो है आई नहीं पाया, मदर की तरफ से एक नहीं आ पाया, मान लीजिए कोई क्रोमोसोम नंबर है उसमें एक कम है, ठीक है, तो उसमें जो है 2n की जगह जो है n-1 है, ठीक है, कम क्रोमोसोम है, तो क्या हो सकता है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम की वजह से हो सकता है, डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम की वजह से होता है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर के ड्यूरिंग जो है इन क्रोमोसोम जो है वो एक्सचेंज करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो उसमें जो है इन्वर्जन जो है, ये आगे भी हम ये चीज पढ़ेंगे, जो है डुप्लीकेशन जो है इन्वर्जन, ठीक है, इस तरीके से मुड़ने के टाइम जो अगर कोई एबनॉर्मली जो है वो जो है इन्वर्जन शो कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कुछ चेंजेस आते हैं, उनको बोलते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशंस की वजह से, ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। ये हमेशा नहीं होती, थोड़े थोड़े ट्रेड में चेंज जो है वो जो है कंटिन्यूअस वेरिएशन वो होता रहता है, चाहे वेदर इट इज अ क्लाइमेट की वजह से हो रहा है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर हैबिट की वजह से हो रहा है, तो वो
जो है धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है, लेकिन डिसकंटिन्यूस जो है एट सडन होता है, एट सडन होता है, बट दीज आर दी हेरिटेबल्स, ठीक है, जो इनहेरिटेबल वो नेक्स्ट जनरेशन को जाता है. कुछ म्यूटेशन जो होती है वो यूजफुल होती है, सर्टन म्यूटेशन दे आर दी यूजफुल वेरिएशन, ठीक है. इसीलिए इन्होंने जो है वो बताया है कि यूजफुल वेरिएशंस में जो है इन्होंने जीन म्यूटेशन का एक एग्जांपल दिया है जिसमें कोई जीन्स जो है आइदर डिलीट कर गए या डबल हो गई, ठीक है, या इन्वर्जन उसका जो है वो गलत हो गया, ठीक है. तो इसको जो है, या फिर जीन्स मीन्स जितने भी, अब आपने जो है आई थिंक लास्ट ईयर आप लोगों ने बायो मॉलिक्यूल्स जो है स्किप कर दिए थे, ठीक है, तो बायो मॉलिक्यूल्स आपने स्किप किया है तो आपको डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर्स नहीं पता है. अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा होता डीएनए और आरएनए का, तो अभी मुझे अगर मैं बोलती तो आपको इजीली समझ आ जाता कि जो डीएनए है उसमें नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ठीक है, यूरासिल, ये नाइट्रोजनस बेस है जो हमारे न्यूक्लिक एसिड दो ही है, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड. मोस्टली मेजोरिटी ऑफ द जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. आरएनए किसका जो जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है जो है वायरसेस का, ठीक है, जैसे प्लांट वायरसेस हो गए, टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया, तो उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए, ठीक है. तो उसमें ये जो मैं एडेनिन थायमिन साइटोसिन वगैरह बोल रही हूँ इसी चैप्टर में फिर से रिपीट होगा. तो ये नाइट्रोजनस बेस पेयर में मान लीजिए गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो क्या होगा, एक सीक्वेंस जो है चेंज हो जाता है, ठीक है. ये चीज हमने आगे कंटिन्यू करनी है, तो अगर इस पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी इस टाइम, नहीं तो हम अपना टॉपिक बिल्कुल भटक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसी चैप्टर में हम ये कंटिन्यूस करेंगे, ठीक है. तो अब मेजरली देख लीजिए कि हमने दो तरह की वेरिएशन पढ़ी, दैट इज वेरिएशन कंटीन्यूअस वेरिएशन और जो है डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन, ठीक है. तो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन को हम कह रहे हैं दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन, ठीक है, वो होती रहती है, जबकि डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन जो है वो जो वेरिएशन है दे आर दी क्या है, दे आर सडन, ठीक है, दे आर दी सडन. और दूसरी कंटिन्यूस वेरिएशन दे आर दी कॉमन, और जबकि डिसकंटिन्यूस में हमने बोला कि देखिए यार अनकॉमन सडन है, कभी कभी जो है सडन एक्सचेंज की वजह से जो है वो चाहे क्रॉसिंग ओवर के टाइम कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है, तो या फिर गैमेट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग कुछ जो है जीन्स में गड़बड़ हो रही, तो उसकी वजह से जो है डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस जो है हमें फॉर्म होती है, ठीक है. उसके बाद जो है जो कंटिन्यूस वेरिएशंस है वो इनहेरिटेंस को गड़बड़ नहीं करती, दे डू नॉट डिस्टर्ब द हेरिडिटी और जेनेटिक सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जबकि डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस जो है हमारी वो जेनेटिक सिस्टम को डिस्टर्ब करती है, ठीक है. तो ये और जो कंटिन्यूस वेरिएशंस जो है वो इम्पोर्टेंट है एडेप्टिबिलिटी के लिए, बट न्यू स्पीशीज कैन नॉट बी फॉर्म, कि मान लीजिए कि क्या बोल रहे हैं कि जो चेंजेस हैं धीरे धीरे जो हम चेंजेस करते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए अगर टेम्परेचर है बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो उसके कंसेप्ट में हमने कुछ हमारी लाइफ स्टाइल में चेंज किया, या जो है हमारे जो है हमने अडॉप्ट कर लिया उस इंक्रीजिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली एक ह्यूमन बीइंग ने, बट वो ही चीज जो है नेक्स्ट जनरेशन में नहीं ट्रांसमिट होती, ठीक है. तो ये जो है ये अडेप्टेशन के लिए कंटिन्यूस वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, बट जो है वो जेनेटिक कॉम्बिनेशन नहीं चेंज करती और जो है वो जेनेटिक सिस्टम को भी डिस्टर्ब नहीं करती, इसकी वजह से कोई नया स्पीशीज नहीं बनता, जबकि नया स्पीशीज फॉर्मेशन करने में डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये जो है एडेप्टिबिलिटी में भी हेल्प करती है और साथ साथ जो है वो नया स्पीशीज फॉर्म करने में भी करती है. देन जो कंटिन्यूस वेरिएशन जो है वो प्रिडिक्टेबल होती है, डायरेक्ट है तो प्रिडिक्टेबल है, डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन जो है क्योंकि ये ऑल ऑफ सडन होती है तो दीज आर दी अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशंस, ठीक है. अब ये तो वेरिएशंस के रिगार्डिंग था, इसके अलावा जो है अब हमारे इसमें है कि आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि हु इज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स, कौन है फादर ऑफ द जेनेटिक्स, कोई बताएगा कि हु इज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स,
फादर ऑफ द जेनेटिक्स कोई बताएगा? नहीं, मेरी आवाज आ भी रही है आप लोगों तक की नहीं आ रही है? हाँ, मेंडल। पूरा नाम क्या था उनका? ग्रिगोर जॉन मेंडल। ग्रिगोर जॉन मेंडल, ठीक है। ही इज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स। एंड वाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? बिकॉज ही हैज गिवन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। बिकॉज ही हैज गिवन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बाद आते हैं जो है, दैट इज फादर ऑफ जेनेटिक्स के बाद जो है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। नेक्स्ट इज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, सो दैट इज टी एच मॉर्गन। टी एच मॉर्गन, ही कॉइंड द टर्म लिंकेज। ठीक है, ही हैज गिवन द टर्म लिंकेज। ठीक है, उन्होंने जो है लिंकेज टर्म जो है वो दी थी, तो इसीलिए जो है उनको फादर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स जो है वो भी कहा जाता है। इसके अलावा ये नाम है, दो दो तीन नाम है, ये इंपॉर्टेंट नेम है, आप इनको नोट डाउन करना चाहिए अभी तो कर सकते हैं। सटन एंड वावरी। सटन और वावरी ने जो है वो क्या दी थी? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। टी एच मॉर्गन ने दी थी, एक लिंकेज टर्म दी थी। लिंकेज, आगे हम ये टॉपिक में पढ़ेंगे कि लिंकेज क्या होती है। ठीक है, इज इट क्लियर? कि जैसे जीन्स जो है क्रोमोसोम जो पेयर में जाते हैं, ठीक है, वैसे ही जीन्स भी पेयर में प्रेजेंट होती है, वो लिंकेज टर्म दी थी उन्होंने। ठीक है, देन था सटन एंड वॉबरी। इन्होंने 1902 में एक थ्योरी दी थी जिसको बोला था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बाद जो इससे पहले जो है 1900 में जो है ह्यूगो डी बेरेस। ह्यूगो HUGO DE D वरेस VERIS एंड कोरियन CORENS एंड टेशमा TSHM। और भी क्या है इसमें? TSCH देन ER टेशमा MAK मा इन 1900 ही हैज रीडिस्कवर्ड दी मेंडल्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इन तीन साइंटिस्ट ने, ह्यूगो डी वेरेस ने, कोरियन ने और टिशमार्क ने जो है वो क्या किया था, इन्होंने जो है मेंडल्स के जो वर्क था उसको जो है फिर से स्टडी किया, उसको फिर से रीडिस्कवर किया। उसके बाद ही उसके वर्क को जो है वो रिकॉग्निशन मिली। मेंडल ने अपने लाइफ टाइम में उनके वर्क को जो है रिकॉग्निशन नहीं मिली। उनकी डेथ के बाद जो है ये जो फादर ऑफ द जेनेटिक्स का जो कंसेप्ट, जो उनको उपाधि जो है वो दी गई, और उसके बाद ही जो है उनके लाइफ टाइम में उनके वर्क को जो है वो रिकॉग्निशन नहीं मिली थी, क्योंकि उस टाइम जो है वो डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन लोगों के दिमाग में इतनी भरी हुई थी कि मेंडल के वर्क को जो है वो रिकॉग्निशन ही नहीं मिली। दूसरा, मेंडल्स ने जो है अपना ही काम जब एक हॉकवीड नाम के प्लांट पे फिर से रिपीट किया तो उनको सिमिलर रिजल्ट नहीं मिले। ठीक है, तो उनको सेम रिजल्ट नहीं मिले, तो इसीलिए भी जो है उनको एक जो है इनका वर्क रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। तीसरी चीज ये थी कि उनके बिहेवियर में जो है वो उस तरीके से एग्रेसिवनेस नहीं थी। चौथा चीज ये थी कि जो उनका वर्क जो था उन्होंने जो पब्लिश किया था वो लोकल जर्नल में किया था। पांचवी चीज ये थी कि जो उन्होंने उस टाइम जो है बायो में जो है वो स्टैटिक्स यूज की थी। ठीक है, मैथमेटिकल जो है वो जो आपने जो है वो टेबल बनाते हो ना, जो जब हम स्टडी करते हैं कैरेक्टर्स के, ठीक है, तो वो जो पीरियोडिक टेबल्स की टेबुलर फॉर्म में स्टडी की रही थी, डिफरेंट
जो ट्रेड्स की टी प्लांट्स के, वो भी उनके वर्क उनके टाइम से बहुत आगे का काम था। और उस टाइम तक तो ना किसी को जीन्स का पता था, ना क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई थी, ना जीन्स की डिस्कवरी हुई थी। तो कुछ वजह ये भी थी कि मेंडल का वर्क जो है बहुत टाइम तक अननोटिस रहा और उनके वर्क को रिकॉग्निशन जो है वो नहीं मिली। और बाद में जब जो ये तीन साइंटिस्ट जिनका नाम मैंने बोला, ह्यूगो डीबरिस, ठीक है, कोरियंस, और साथ में जो टेशमाक जो थे, उनका 1900 में जब उनका वर्क जो है वो रिडिस्कवर किया गया, तो उसके बाद जो है मेंडल जो है उनको फादर ऑफ द जेनेटिक्स जो है वो कहा गया। ठीक है, इसके अलावा जो है और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसी कंसेप्ट में जो है वो कंट्रीब्यूशन दिया गया है। उनमें से एक है डब्ल्यू जॉनसन, जिन्होंने 1909 में जीन टर्म्स जो है दी थी, डब्ल्यू जॉनसन, ठीक है, उन्होंने जो है टर्म दी थी, दैट इज दी जोहेंसन स्पेलिंग में यहाँ लिख देती हूँ, एक्चुअली चल ही रहा है जोहेंसन, जे बोल देती हूँ मैं आपको, जॉन, JOHAN डबल एन देन SEN, जोहेंसन, ठीक है। तो ये जो है वो साइंटिस्ट ने टर्म दी थी क्या जीन्स, इससे पहले जो मेंडल ने, जब मेंडल के टाइम जीन्स वर्ड दी थी, उसने फैक्टर वर्ड यूज किया था, उसने अपने एक्सपेरिमेंट में थ्रू आउट एक वर्ड यूज किया था, दैट इज दी फैक्टर, ठीक है। तो अभी जो है इतना, ये तो सिर्फ क्या थी, टर्मिनोलॉजी भर थी इसके बारे में कि मंडल ने के वर्क को जो है या किस चीज का क्या क्या नाम है। तो हमने बोला कि फादर ऑफ द जेनेटिक्स, दैट इज ग्रिगोर जॉन मेंडल। व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स, बिकॉज ही हैज गिवन दी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के लॉ आपने 10th क्लास में भी पढ़े हैं, ठीक है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देन फादर ऑफ दी एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, इन्होंने TH मॉर्गन है, इन्होंने जो है वो ड्रोसोफिला प्लांट पे, सॉरी एनिमल पे जो है वो, इंसेक्ट पे जो है वो स्टडी की थी। उसके बाद जो है सटन एंड बॉबरी, उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की थी, उन्होंने बोला था कि क्रोमोसोम भी जो है इनहेरिट होते हैं, ठीक है, तो उसके थ्योरी दी थी। उसके बाद उससे पहले जो है ह्यूगो डी बैरेस और कोरियन और टेशरमार्क जो है उन्होंने जो क्या किया था, दे रीडिस्कवर्ड दी मेंडल्स लॉ ऑफ दी इनहेरिटेंस जो है वो उन्होंने जो है वो रीडिस्कवर किए थे, मतलब दोबारा से जो है वो स्टडी किए थे 1909 में। डब्ल्यू जोहेंसन, ही हैज गिवन दी टर्म जीन, उन्होंने क्या टर्म दी थी, जीन, ठीक है। उसके बाद अब जो है आपके इसमें बहुत सारे प्री मेंडेलियन थ्योरी भी हैं, बट बिकॉज दे आर नॉट इन योर एनसीईआरटी सो आई एम नॉट टेकिंग दैट वन, वी आर जस्ट कमिंग टू दी मेंडेलिज्म या मेंडल के वर्क पे हम सीधा आ जाएंगे कि मेंडल जो है वो उन्होंने क्या किया, क्या क्या स्टडी किया, ठीक है। और उसके जो है हम इसको छोड़ रहे हैं इस चीज को, प्री मेंडेलियन थ्योरी, क्योंकि वो हमारे वर्क के एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये जो सॉरी कहा गया इनका नाम, दिस इज ग्रिगोर जॉन मेंडल्स जो थे, ठीक है, इनका 1822 से लेकर 1884 तक जो है लाइफ पीरियड जो है वो दिखा दे रखा है, ठीक है। मेंडल्स ने जो है वो क्या करते थे, ये एक पुअर फैमिली में जो है, विलेज में जो है मोराविया में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अर्ली एजुकेशन इनकी होम पे ही हुई, ठीक है, स्कूल में। उसके बाद जो है 18 to 21 ईयर पे जो है ये मोराविया यूनिवर्सिटी में जो है उन्होंने स्टडी की, और 21 ईयर में जो है ये ग्रेजुएट हो गए, ठीक है। उसके बाद जो है मेंडल के प्रीस्ट चुके होते हैं, जैसे हमारे जो चर्च जो है, ठीक है, उनमें एक पादरी की तरह जो है ये जो है वो काम करते थे, समझ लीजिए वो, या प्रीस्ट थे तो मोनेस्ट्री में रहते थे, ठीक है, पादरी थे ये, ठीक है। तो वहां पर जो है इन्होंने जो है टीचिंग स्टार्ट करी एट द एज ऑफ 27, ठीक है। उसके बाद मेंडल ने 1851 में फिर से जो है फिजिक्स और बॉटनी की स्टडी करने के लिए जो है ये बीनिया यूनिवर्सिटी में जो है वो चले गए। 1854 में जब ये एज अ मॉन्क वहां से रिटर्न हुए, ठीक है, तो उन्होंने जो है वो क्या करे, मोनेस्ट्री में रहते थे, बहुत ज्यादा मोनेस्ट्री में खाली एरिया होता है, तो वहां पर इन्होंने क्या करना स्टार्ट करा, खेती शुरू करें, किस चीज की, मतलब ऐसे ही जो टी प्लांट जो है वो लगाना स्टार्ट किए। उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ जो है इनको
पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो है वो मिलते थे। तो इन्होंने जो कि अपना एक्सपेरिमेंट किया उसमें प्योर लाइन सीड जो है वो सेलेक्ट किया। अब प्योर लाइन क्या होता है कि मान लीजिए हमने जो है ऐसे पौधा लगाया, ठीक है, कि जिसमें से मेरे पास जैसे पी प्लांट था, तो पी प्लांट दो तरह का था, एक की स्टेम की हाइट ज्यादा होती थी, मतलब प्लांट की हाइट ज्यादा थी, एक की छोटी थी। मान लीजिए मैंने सीड लगाया तो उसमें से जो सीड निकले, ठीक है, उसमें से दो तरह के पौधे निकले, एक लंबे और एक छोटे। तो फिर मैंने लंबे वालों के सीड अलग से कलेक्ट किए, जो छोटे पौधे थे उनके सीड अलग से सेलेक्ट किए, और उनको बार 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 तब तक ग्रो किया जब तक जो है सीड में से, जैसे मेरे पास जो सीड थे तो उसमें से सिर्फ लंबे ही पी प्लांट निकल रहे थे और दूसरे वालों से सिर्फ छोटे ही निकल रहे थे। तो इसको बोलते हैं प्योर लाइफ सिलेक्शन, कि बार बार जो है मेरे को जो करेक्टर चाहिए वही मिला। तो इस चीज को लेकर जो है मेंडल ने जो है वो स्टडी की, उन्होंने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे, ठीक है, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। कल हम इस चीज को फिर से रिवाइज करेंगे, आज मैं सिर्फ इतना बता देती हूँ कि पहले जैसे हम कोई भी सीड लगाते हैं तो सबसे पहले उगता है जो है पौधा, तो एक चीज कैरेक्टर का कि हाइट, कि एक प्लांट बड़ा था, एक प्लांट की हाइट छोटी थी, ठीक है। और उसके बाद जो है पौधे पे जब रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है तो उसपे आते हैं फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर जो है इस पोजिशन को बोलते हैं एक्सियल, ठीक है। तो एक्सियल कैरेक्टर जो था वो डोमिनेंट था, ठीक है। तो एक कुछ फ्लावर जो है यहाँ आते थे, ठीक है, एक्सियल जो है डोमिनेंट कैरेक्टर, कुछ टर्मिनल, तो एक्सियल जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर था। इसी के बाद जो है फ्लावर में वायलेट कलर डोमिनेंट था, व्हाइट कलर रिसेसिव था। फ्लावर के बाद आएगा वहां पर पॉड, ठीक है, मटर का जो मटर जिसको हम बोलते हैं, तो मटर मटर ऐसे जो फ्लैट होते हैं बिल्कुल, ठीक है, इनफ्लैटेंट जो या फ्लैट जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर था। कंस्ट्रिक्टेड मतलब जिस ऐसी चीज जिसमें हमें ये मटर का क्या दिख जाए, हम दिख जाता है ना कि अंदर पॉड में शेप दिख जाती है कि सीड है, तो वो करेक्टर जो था वो रिसेसिव था। फिर उसके बाद क्या है, फली से अंदर से मटर निकलेंगे, ठीक है। तो मटर जो है वो दो तरह थे, एक राउंडेड शेप थी वो डोमिनेंट करेक्टर था, रिसेसिव शेप जो थी वो कैसा करेक्टर था, सॉरी रिंकल्ड शेप जो थी वो रिसेसिव करेक्टर था। और इसी तरीके से पॉड का कलर जो ग्रीन था वो डोमिनेंट करेक्टर था, और सीड का जो है येलो कलर जो है वो डोमिनेंट करेक्टर था। तो इस तरीके से मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है सिलेक्ट किए। पहले 34 करेक्टर्स लिए थे, उसके बाद 22 करेक्टर्स लिए उन्होंने, फिर अल्टीमेटली 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर से ही उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट जो था वो प्रोसीड किया, ठीक है। अब जो है 11:40 हो गए हैं, आप लोगों की नेक्स्ट क्लास लगने वाली होगी, ठीक है। कल हम मेंडल के वर्क से जो है इस चीज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अब आप क्लास लीव कर सकते हैं बेटा, आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। हरी अब वन बाय वन लीव योर क्लास। चलिए।